हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि जो नेल्स होते हैं हमारे फिंगर्स में, जो नेल्स होते हैं चाहे हमारे हाथ की उंगलियों में हो चाहे हमारे पैर की उंगलियों में हो, जो नेल्स होते हैं इनके क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब ये कि दूसरे वर्ड्स में अगर कहा जाए तो क्वेश्चन ये है कि नेल्स के क्या फंक्शंस हैं। तो अगर देखते हैं हम कि इनकी हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है या क्या फंक्शन है, तो इसका एहसास हमें तब ज़्यादा अच्छी तरह होगा जब हम अगर ये इमेजिन करें कि हमारे नेल्स ना हो, नेल्स हमारी अगर फिंगर्स में ना रह जाएं, उसको किसी तरह से रिमूव कर दिया जाए। वैसे तो नेल्स को रिमूव करना बड़ा पेनफुल होता है, लेकिन अगर कुछ इस तरह से हो कि पेनलेस तरीके से नेल्स हटा दिए जाएँ तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, क्या हमें कुछ वर्क करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी? तो हाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी। और जब वो प्रॉब्लम आएगी तो हमें एहसास हो जाएगा कि नेल्स की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में। तो नेल्स के बगैर हमारी किसी चीज़ को अगर हम पकड़ेंगे तो वो पकड़ हमारी मजबूत नहीं रहेगी, वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। जिस तरह से नेल्स हैं, नेल्स अगर हमारी बॉडी में हैं, हमारी फिंगर्स में हैं, और फिर हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो हमारी पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है। और अगर हमारी बॉडी, हमारे फिंगर्स में नेल्स नहीं रहेंगे तो फिर कोई भी चीज़ होगी उसकी पकड़ हमारी मजबूत नहीं होगी। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो इससे इफेक्टेड होंगे, बहुत सारे फंक्शन जो हम इजिली कर लेते हैं तब हम इतना इजिली नहीं कर पाएंगे। चाहे हमारा खेलना हो, चाहे हमारा कोई काम करना हो, हमारा कुछ हाथ से पकड़ना हो मजबूती से, हमारी मजबूत पकड़ नहीं रह जाएगी। कोई भी चीज़ हम पकड़ेंगे तो ये जो नेल्स होते हैं ना, इनकी वजह से उसकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है। तो और ये हार्ड होते हैं, बाकी ये जो पार्ट होता है फिंगर की टिप होती है तो बहुत सॉफ्ट होती है। तो उससे अगर सॉफ्ट होगा तो हमारी पकड़ बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी, बिल्कुल लूज रहेगी, और हम कोई भी चीज़ बड़ी स्ट्रेंथ और बड़ी मजबूती से नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन ये जो सारी ताकत लगती है हमारे हाथ में, बहुत मजबूती से हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, वो इन्हीं इसी वजह से, नेल्स की वजह से है। तो नेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो हमारे पैर की उंगलियों में जो नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, तो उनसे भी हम जब दौड़ते हैं, चलते दौड़ते हैं हैं तो हम आगे की तरफ थोड़ा झुक के दौड़ते हैं, तो जो बैलेंस बनाते हैं हम, तो उसमें बैलेंस में जो ताकत लगती है वो नेल्स बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प करते हैं उसको, बॉडी को हमारे रोके रखने में, क्योंकि वो स्ट्रेंथ नहीं रह जाएगी फिर फिंगर्स में, हमारे जो पैर की उंगलियां हैं उनमें, हमारा जो टो है उसमें, वो स्ट्रेंथ नहीं रह जाएगी अगर नेल्स ना हो तो। नेल्स के साथ जो स्ट्रेंथ है, नेल्स के बगैर वो स्ट्रेंथ नहीं रह जाएगी। तो हमारी बॉडी में इनकी रियली बहुत इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि हमारे लिए यूजलेस हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास नेल्स हैं तो हमें इनकी इंपॉर्टेंस का ज़्यादा एहसास नहीं होता। लेकिन अगर हमारे नेल्स बिल्कुल भी ना रह जाएं तो हमें कोई चीज़ पकड़ने में, हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारे, हम या कोई भी चीज़ को इस तरह से मजबूती से पकड़ लेते हैं तो वो स्ट्रेंथ फिर हमारे हाथों में, हमारी उंगलियों में नहीं रह तो उम्मीद जाएगी। करते होंगे कि आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारे जो फिंगर्स में नेल्स होती हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उम्मीद करते हैं कि आप इस आंसर से सेटिस्फाई होंगे। थैंक यू।